हेलो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो सही पढ़ाई हो तो आप जोया के ग्लोबल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं आज ग्लोबल पब्लिक स्कूल जोया में साइंस का पेपर हुआ और ये क्लास फिफ्थ का है अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने बच्चों को कैसे साइंस का पेपर सॉल्व कराने की प्रैक्टिस करा सकते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो ये हेडिंग है ए इसमें लिखा हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन यानी जो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं नंबर वन पर है प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम तो इसके लिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं एक दो तीन तो यहाँ पर है ए सीड्स बी है रूट्स और सी का मतलब है बोथ ए एंड बी यानी अगर ये ठीक है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे रूट्स ठीक है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे और अगर ए और बी दोनों ठीक हैं तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे तो दोस्तों प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम सीड्स एंड रूट्स ये दोनों सही हैं तो हम यहाँ पर बोथ ए एंड बी पर राइट का निशान लगा देंगे अगर आपसे बोला जाए यानी आप बच्चे से बोला जाए कि इसी में पेपर करना है तो यहीं पर करें और अगर बोला जाए कि आंसर शीट में करना है तो इन सारी चीज़ों को मतलब जैसे क्वेश्चन है इसको अपनी आंसर शीट में नोट करेंगे और जो ऑप्शन ठीक है उसके नीचे ये लिख देंगे दूसरा हमारा है वाट डज सीड नीड फॉर जर्मिनेशन तो यहां पर थ्री ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन के लिए वाटर ऑप्शन बी है एयर और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि सीड यानी बीज के लिए बीज बीज को उगने के लिए बीज की पैदावार होने के लिए जर्मिनेशन के लिए वाटर और एयर की ज़रूरत यानी दोनों की ज़रूरत होती है तो दोनों ऑप्शन इसके लिए ठीक है तो यहाँ पर हम ये वाला ही टिक करेंगे बोथ ए एंड बी वाला अब तीसरा है नंबर थ्री ड्यूरिंग द दि अर्ली स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन द सीडलिंग्स गेट्स फूड फ्रॉम द यहाँ पर आ जाएगा ये कोटी ओके इसमें नंबर फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप इनमें से रबी क्रॉप कौन सी है ऑप्शन ए वीट राइस या मेज़ तो यहाँ पर वीट पर आप राइट का निशान लगाएंगे इसके बाद है फाइव अ फ्रॉग ब्रेड्स ओनली ऑन लैंड ओनली इन वाटर ऑन लैंड एंड इन वाटर तो ये वाला इसका सही है इसके बाद नंबर सिक्स है द बॉडी ऑफ इज कवर्ड विद हेयर द बॉडी ऑफ ब्लैंक इज कवर्ड विद हेयर फिशेज रेप्टाइल्स या ममल्स तो ममल्स इसका सही ऑप्शन है नंबर सेवन द बटरफ्लाइज एंड बीज हैव विंग्स टू बटरफ्लाइज एंड बीज हैव विंग्स वॉक स्विम या फ्लाई तो इसके लिए आएगा फ्लाई इसके बाद नंबर एट है वास्प्स आर बर्ड्स रोडेंट्स या फिर इंसेक्ट्स ये ठीक है नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी ब्रेड राइस बोथ ए एंड बी यानी ये दोनों तो इसका यही वाला ठीक है इसके बाद नंबर टेन है द बैक बोन इज द बैक बोन इज द स्पाइनल कोड लंग्स या फिर हार्ट तो इसके लिए दोस्तों स्पाइनल कोड ऑप्शन है इसके बाद अब देखते हैं हम आंसर इन वन वर्ड यानी यहाँ पर लिखा हुआ है सीड लीव्स तो सीड लीव्स क्या हो जाएगा देखिए इसके लिए सीड लीव्स को हम और क्या कहते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ये कोटी लेडन्स कोटी लेडन्स इसके बाद बेबी प्लांट बेबी प्लांट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर आ जाएगा एम्ब्रायो एम ब्रायो द मैथड ऑफ सीड डिस्पर्सल इन द पी प्लांट उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन और फूड रिच इन विटामिन ए यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेजिटेबल वेजिटेबल डेफिशियंसी डिसीज इसमें आप लिख सकते हैं बेरी 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 कम्यूनिकेबल डिसीज इसमें आप लिख सकते हैं टाइफाइड टाइफाइड और फूड दैट कैन कॉज ओबेसिटी इसमें आप लिख सकते हैं पिज्जा अब देखते हैं हम जो इसका अदर है फिल इन द ब्लैंक्स है अब यहां पर द प्रोसेस बाई विच अ सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड यहां पर आ जाएगा जर्मिनेशन जर्मिनेशन फार्मर्स यूज टू स्केयर अवे बर्ड्स फ्रॉम फील्ड वेयर क्रॉप्स आर ग्रॉन यहां पर आ जाएगा स्केयर क्रॉज स्केयर क्रोज क्रॉप्स ग्रॉन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल यानी नवंबर से अप्रैल तक जो फसलें उगाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं वो होती हैं रबी इंसेक्ट्स ब्रेथ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरे स्पाइरकल्स एनिमल्स दैट की देट ईट ओनली प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बी वोर्स हर्बी व्यूमनस कैन स्टैंड स्माय स्टैंड फ्रंट लिम्स आर ऑल्सो कॉल्ड फोर लिम्स फोर लिम्स एक्स आर एक्स आर रिच इन प्रोटीन्स ये हो गए हमारे फिलिंदा बैंक इसके बाद देखिए अब यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग्स कैरेट पोटैटो ब्राईफैलम कोकोनट स्टैप फार्मिंग तो यहाँ पर देखिए कैरेट जो होती है ये मिल जाएगा हमारा इससे यानी रूट से रूट और यहाँ पर आप ऐसे नंबर भी डाल सकते हैं यानी ये वन का आंसर है इसके बाद पोटैटो क्या होता है ये होता है इस्टैम ये हो गया हमारा नंबर टू और ब्रायोफेलम ये मिल जाएगा लीव से नंबर थ्री कोकोनट ये हो जाएगा हमारा ये वाला फाइबरस कवरिंग नंबर फोर का आंसर ये है और स्टेप फार्मिंग ये हो जाएगा माउंटेन साइड तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये पेपर सॉल्व हो चुका है अब यहाँ पर नीचे ये जो क्वेश्चन एंड आंसर्स दे रखे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट तो यहाँ पर जैसे नंबर वन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्जल और नंबर थ्री है वॉट टाइप ऑफ ब्रीथिंग ऑर्गन्स डज अ बटरफ्लाई हैव नंबर फोर डिस्क्राइब द मूवमेंट इन अक्वेटिक एनिमल एंड नंबर फाइव हाउ डू स्नैक मूव तो फ्रेंड्स ये जो इनके आंसर्स हैं ये हम बच्चों को नोटबुक में नोट करा देते हैं लिखवा देते हैं तो वहाँ से बच्चे याद करते हैं और इनके आंसर्स आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग